हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से एक्सेल में कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं। पहले एग्जांपल में हमने दो वेरिएबल लिए हैं, सेंसेक्स एंड गोल्ड प्राइजेस, कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिए हैं 10 वेरिएबल्स, कि इन 10 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। हम तीनों मेथड्स को इस वीडियो में समझेंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कोरिलेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेंजेस बिटवीन -1 to +1। इट मीन्स कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होती और कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं होती। कोरिलेशन टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, हाइट एंड वेट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ लग्जरी गुड्स, एज एंड ब्लड प्रेशर। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, प्रैक्टिस एंड एरर, सेल्स ऑफ वूलन गुड्स एंड द डेज टेम्परेचर। अब हम देखते हैं पहले कि किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ईयर 2001 से लेकर के 2021 ईयर्स का हमने सेंसेक्स की वैल्यू ली है और गोल्ड प्राइजेस की वैल्यू ली है, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे 2001 में 3604.38 सेंसेक्स की वैल्यू थी, गोल्ड प्राइजेस 4300 है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं सेंसेक्स की वैल्यू भी गिवन है और गोल्ड प्राइजेस की भी। तो कोरिलेशन निकालने का जो फर्स्ट मेथड है वो है, एक्सेल में सभी फार्मूले इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। तो इक्वल टू CORREL आप ये फार्मूला लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे वन में हम सेंसेक्स की वैल्यू को लेंगे, एंड कॉमा, एरे टू के अंदर हम गोल्ड प्राइजेस की वैल्यू को लेंगे। तो ये हो गई गोल्ड प्राइजेस की वैल्यू, एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो 0.89 इज द कोरिलेशन बिटवीन सेंसेक्स एंड गोल्ड प्राइजेस। इसका मतलब दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ फार्मूलाज में जाइए, मोर फंक्शंस, स्टैटिकल फंक्शंस, और इसके अंदर फिर यहाँ पर ये कोरिलेशन। तो ये आपसे ये इस तरह की एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। एरे वन में हम लेंगे सेंसेक्स को, एंड एरे टू के अंदर लेंगे हम गोल्ड प्राइजेस की वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड नाउ यू क्लिक ओके। तो दोनों ही मेथड से आंसर विल बी द सेम। अब ये आंसर हमें बता क्या रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरिलेशन की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है। तो अगर आंसर पॉजिटिव है, अगर 1 आता है तो उसको कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। 0 का मतलब एब्सेंस, यानी दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर बिटवीन 0.75 to 1 आता है तो इसको हाई कोरिलेशन, बिटवीन 0.25 to 0.75 मॉडरेट कोरिलेशन, और बिटवीन 0 to 0.25 इज लो कोरिलेशन। तो हमारा जो आंसर है 0.89 पॉजिटिव, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट मीन्स सेंसेक्स में और गोल्ड प्राइजेस के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है, और वो भी हाई डिग्री का कोरिलेशन है। अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं कि अगर हमें 10 वेरिएबल्स दे रखे हों। इस क्वेश्चन में हमने, इस एग्जांपल में हमने 1 जनवरी 1998 से लेकर के और 1 दिसंबर 2013 तक का 10 स्टॉक एक्सचेंजेस का डेटा लिया है। तो ये करीबन 16 ईयर्स का डेटा है, मंथली डेटा है 16 ईयर्स का, जिसमें इंडिया का BSE, चाइना का शंघाई, जापान का निक्की, कोरिया स्टॉक एक्सचेंज, मलेशिया स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान एंड नास्डेक। तो 10 स्टॉक एक्सचेंजेस, 16 ईयर्स डेटा हमने लिया है। तो इसमें कोरिलेशन निकालने, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर जो मेथड होगा वो थर्ड मेथड यूज़ होगा। तो वी विल गो ऑन, क्लिक ऑन द डेटा,
then click on data analysis, then here select correlation, click on the OK. Now OK पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आएगी. इन द इनपुट रेंज यू सेलेक्ट फ्रॉम हेयर इंडिया BSE टू NASDAQ एंड वी विल सेलेक्ट द टोटल डेटा ऑफ द 16 ईयर्स. तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन दिस हेयर. ओके. ग्रुप बाय कॉलम्स, यस हमने क्योंकि इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट किया है डेटा को. लेबल्स, यस क्योंकि हमने फर्स्ट रो भी सेलेक्ट किए हैं तो इसलिए हम इसको लेबल्स पे भी क्लिक करेंगे. अब आउटपुट आप कहाँ चाहते हैं, इसी शीट में चाहते हैं, नई वर्कशीट में या नई वर्कबुक में? तो ये पेज तो पूरा भरा हुआ है शीट, तो हम नई वर्कशीट में आउटपुट चाहते हैं तो वी विल क्लिक ऑन न्यू वर्कशीट एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो ये अब ये टेबल हमें क्या बता रही है? टेबल बता रही है इंडिया BSE एंड इंडिया BSE के बीच में कोरिलेशन 1 है. डेफिनेटली ये तो 1 ही होगा. BSE एंड चाइना SSC के बीच में कोरिलेशन 0.67 का है. BSE एंड निक्की के बीच में 0.16. इंडिया एंड कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज के बीच में 0.97. मलेशिया एंड इंडिया 0.95. पाकिस्तान एंड इंडिया 0.91. सिंगापुर इंडिया BSE 0.92. श्रीलंका एंड इंडिया BSE 0.89. ताइवान एंड BSE 0.60. नासडेक एंड BSE 0.42. अब इसको और बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव है. इंडिया का BSE एंड जापान के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसको हम कर देते हैं राइट साइन के साथ. एंड उसके अलावा कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड श्रीलंका, इन सब के साथ हमारा हाई कोरिलेशन है क्योंकि ये वैल्यूज 0.75 से ज़्यादा हैं. तो इसको हम ले लेते हैं ग्रीन साइन. देन ताइवान, नासडेक और चाइना के साथ में जो हमारा कोरिलेशन है वो मॉडरेट कोरिलेशन है, तो इसके लिए हमने ये ले लिया ब्लू कलर. तो इससे क्या होगा, इससे एक डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन हो रही है कि भाई आपका जो है निक्की के साथ में, जापानी निक्की के साथ में आपका नेगेटिव है, और ग्रीन बता रहा है कि हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन और ब्लू बता रहा है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो इस तरह से आप बाकी कंट्रीज के साथ भी कर सकते हैं, जैसे चाइना के SSE और जापान के निक्की के बीच में 0.04 है, यानी लो लेवल ऑफ कोरिलेशन. तो इस तरह से इस टेबल की इंटरप्रिटेशन की जाती है. तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.